जी वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खुदा के रहम करम से ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम लोग आए हैं शकीला के घर पे। थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी तो मैं आई थी डॉक्टर के पास, तो मैंने बोला चलो अपनी बहन से भी मिल के जाऊँ, और ये आ गई हैं तो मिलवाते हैं अभी आपको इससे। तो शकीला काफी चिट्टी चिट्टी लग रही है। नहीं चिट्टी लग रही है। थैंक यू सो मच। बेस बेस लगाया। दिखाओ आगे से दिखाओ। आगे से नहीं, यहाँ पीछे देखो तो बहुत अच्छी लग रही है। दिखाओ तो। सलाम जी, क्या हाल है? दिखाओ तो। क्या दिखाओ? ये देखो बाइक बैक पे देखो मेरा। हाँ आपका सही आ रहा है। तो आपका भी सही आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना शकीला की गई थी भाभी के पास, मुझे भाभी ने बुलाया था तो उनके पास गई। अच्छा। और शकीला जो है ना ये पॉलर का कर रही है अभी, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग खुद से ही तैयार हुआ करेंगे, खुद ही शूट किया करेंगे, खुद ही कैमरा मैन बनेंगे, सब कुछ करेंगे, खुद ही सब कुछ हम लोग जो है ना करने वाले हैं ना। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने बहुत सारी सपोर्ट करनी है, शकीला को बहुत सारा प्यार देना है और दुआओं में याद रखना। और आगे मजीद आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छा अच्छा मेकअप मिलने वाला है। मतलब रही बात है, जैसे जैसे काम सीखेंगे आगे आगे हुनर अच्छा ही होगा। आपके साथ शेयर करते रहेंगे हमेशा। तो वो काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो है ना मिशेल के बारे में, तो वो हम कल एक स्पेशल व्लॉग बनाएंगे मिशेल के लिए और फिर करेंगे आपसे बात। और यहाँ पे बच्चे अंदर खेल रहे हैं और हम लोग आए थे तो अब हम लोग जा रहे हैं। सही है शकीला? अम्मी जो है फ्रेश हो गई है रात के टाइम, और अम्मी से मिलने दो दिन हो गए थे, अम्मी से मिले नहीं थे तो अम्मी से मिलने के लिए आए। तो अम्मी खा रही खाना। हाँ कैसी तबीयत है अभी? डॉक्टर से बहुत आराम है, डॉक्टर खतरी का हाथ में बहुत ही बड़ा आराम है, काफ़ी आराम है। मैं खाना वाना सही खा रही हूँ दम के। हाँ तो अब तबीयत ठीक है। हाँ तो लिया दिया और मैं और गए हुए थे हम लोग अल्लाह वाली दवाई लेने के लिए, और ये लोग यहाँ पे आ गए मस्ती कर रहे हैं। और ये एलिया ने अम्मी को देनी थी बीसी, तो इसलिए आया कि अम्मा मुझे देनी है बीसी अम्मा को, फिर अम्मा गल्ला सुनाएगी। तो अम्मा से सब डरते हैं, अम्मा की दहशत है। तो चलो चलते हैं घर पे। चले घर पे, चलो थे घर पे। और मम्मा आप एजिट लग रही हो। तो एजिट हूँ नहीं, आज लग रही हो? नहीं वैसे ही एजिट हूँ माशाल्लाह बच्ची। नहीं दो तीन दिन से हो गए हैं, मम्मा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो आप सबने दुआ करनी मम्मा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मम्मा के गुर्दे में हो रही है पेन। और वैसे भी मम्मा को एलर्जी हो रही है, एलर्जी बहुत ज़्यादा। हाँ तो उसकी वजह से भी मम्मा की थोड़ी सी तबीयत सही नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। हाँ। एक से दम ना बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। और अब हम गोपाल के घर पे गए थे। मुझे कौन सी चीज़ से एलर्जी है? कौन सी चीज़ से? गोपाल के घर पे गए थे अम्मी से मिले। हाँ आज नाना नहीं आई जो है ना, वो बहुत अच्छी होती है, वो तो सबसे नीचे ही नहीं आती हमारी। अच्छा भाभियाँ बहुत अच्छी। मैं बहुत क्यों? मेरे बेगम की टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल सही आई। चलो खुदावन का शुक्र है। तो रिपोर्ट इसकी बहुत अच्छी आई और दोनों बहुत खुश हैं और शुक्र है खुदावन। हम सब भी बहुत खुश हैं। आप लोगों की दुआ। तो अभी तो बनी नहीं है, अब ठीक है। काका मेरे को भी कुछ बोलता था ना, मैंने बोला बैठे हुए तो थोड़ा मीठा शीठा हो जाए। तो क्या बना रहे हैं मीठे में, दिखाओ जरा जाके। जी भी बस यहाँ बना रहे सवैया, क्योंकि पापा का दिल कर रहा है रात को टाइम, तो इसकी वजह से सवैया बना रहे हैं। तो सुमन बना रही, सुमन बाहर गई है हाथ धोने गई है सुमन, और बहुत अच्छी लग रही है। अभी जैसे ही बन जाती हैं सवैया तो फिर खाते हैं, तो फिर आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ पे जो है ना मीठा हो गया तैयार, और देखते हैं सुमन ने कैसा बनाया। खा के बताओ अभी कैसे। हाँ, खाते हैं, अभी तो बहुत गर्म है। और रोमिस खानी है सवैया, तो आ जाओ खा लो। और यहाँ मिशेल आपको मैंने सवैया दी है, मैंने कहा खाओ। ये देखो मेहंदी कोली में डाल रही हो, और ये सीढ़ियों पर बैठी, लाइट चली गई है और तीन दिन से लाइट नहीं जा रही थी, बहुत खुश थे। दिखाओ भाई। और ये देखो मिशेल आपकी ने भी मामी से मेहंदी लगाई है, देखो। और नेल पेंट भी लगा कर रही है। नेल पेंट तो मैंने पहले लगाए थे, अच्छी लग रही है। आप हो ही अच्छी, आप रहे ही अच्छी, शुक्र है खुदावन का अच्छे हैं। तो मैंने कब कहा, मैंने कुछ कहा? आप तंज कर रहे हो? नहीं ना, मेरे पैंट मैं तो वैसे ही इतनी महसूस चिचड़ क्या होता है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा चिचड़ किसको कहते हैं। चिचड़ कहते हैं जड़े होने के ना, पंजाबी लोगों को ना समझ आ गई होगी चिचड़ क्या है। और
हाई लेवल के लोग होंगे ना, उनको पता नहीं वे चिचड़, तो चिचड़ वो था जो कुत्ते के काम। अबे जा बना, वो थोड़ी होता है निपन चिचड़ आने दा। लीचड़ आदमी को बोलते हैं, जैसे ये लीचड़ हो गई। अच्छा लड़ती है, हाँ चीखती है। तो चिचड़ जो है वही होता है, आप लोग कमेंट्स में बताना चिचड़ कुत्ते को लगे जो होते कुत्ते का नहीं, डॉगी की जुनिया होती है उसके शायद ऐसे कुछ नहीं। नहीं, ये मैं और बोल रहा हूँ, चिचड़ आपने बोला, चिचड़ बोला, चिचड़ वही होता है मैंने, चिचड़ चिचड़ मतलब वो जो ढीट लड़ाई अकड़ू। हाँ। वो अब वो नहीं हो ऐसे, चलो सोइया खाओ।